बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम में पहुंच चुके हैं। गुरु माता जी, गुरुदेव भगवान की माता जी, हम सभी की आदरणीय ऐसे संत को जन्म देने वाली माता जी, अपने पुत्र के आने पर इतनी खुशी है कि घर से गर्मा गर्म भोजन बना के गुरुदेव भगवान को खिलाने के लिए आश्रम में जा रही है। देखिए, माँ 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 होती है, स्नेह होता है, प्यार होती है। माँ की तुलना हम किसी भी चीज से नहीं कर सकते। गुरुदेव भगवान के लिए इतने हजारों शिष्य हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव भगवान अपने माँ को इतना सर्वोपरि मानते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। अक्सर जब भी माँ का नाम लेते हैं तो गुरुदेव भगवान रोने लग जाते हैं। अब भी पावन पवित्र जो कथा चल रही थी मुंबई के अंदर, वहां पे जिक्र आया कथा के दौरान, तो भाव विभोर हो गए सबको। सबके मन में एक ऐसा हो जाता है, गुरुदेव भगवान जब भाव में डूब जाते हैं तो सभी रोने लग जाते हैं वहां। तो माँ के संवाद के ऊपर हमेशा से ही गुरुदेव भगवान, क्योंकि माँ से बहुत लगाव है गुरुदेव भगवान का। इसलिए गुरु माता जी है हमारी माता जी, गुरुदेव भगवान के लिए भोजन गर्मा गर्म अपने हाथों से बनाकर लेके आई हैं। जब भी गुरुदेव किसी कार्यक्रम के लिए पूर्ण आहुति करके जब दिव्य आश्रम में पहुंचते हैं, तो गुरु माता सबसे पहले उनको भोजन लेके खिलाने के लिए अपने घर से लेके आती हैं, अपने हाथों से ताज़ा ताज़ा भोजन बना के और अपने बेटे को खिलाती है भाव से। ये धरती की बातें हैं, धरती धरातल से जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि हम ऐसी भागदौड़ जिंदगी के अंदर गुजर चुके हैं। उस जिंदगी के अंदर हम अपने जो हमारी रियल लाइफ है, जो हमारे रियल संस्कार हैं, जो हमारी आत्मा की जो आवाज है, उस आवाज को हम लोगों ने खो दिया है। लेकिन अब भी गुरुदेव भगवान जैसे परिवार हैं जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, उनसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। होटलों में खाना खाते हो, पता नहीं कहां कहां जाके आप टाइम गुजारते हो, लेकिन एक यह प्रतिमा देखिए, एक यह माताजी देखिए, एक इनके संस्कार देखिए। रसोई है आश्रम के अंदर, पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर रसोई बनती है, लेकिन एक भाव होता है अपने पुत्र के प्रति, अपनी माँ का समर्पण होता है। पुत्र भी यह वेट करता है, मतलब कि सारी थकान शरीर के अंदर जितनी हुई होती है, वो माँ के चरणों में जब एक बार सर रख लेता है पुत्र, तो सारी की सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसा माँ समझ सकती है, क्योंकि माँ जानती है मेरा पुत्र दिन रात क्या क्या काम करता है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक ना सोने का, ना खाने का, ना पीने का, ना उठने का, ना बैठने का, 24 घंटे एक मशीन की तरह कार्य करते हैं। शरीर की कैपेसिटी होती है, लेकिन ये तो स्वयं बालाजी महाराज सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है, वरना हर इंसान ऐसा नहीं कर सकता। 10 मिनट तक हम 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं, बोलते बोलते थक जाते हैं कि क्या शब्दावली प्रस्तुत करें, कटिंग करनी पड़ती है, शब्द हमारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक हमारे गुरुदेव भगवान देखिए, निरंतर निरंतर इतनी एनर्जी, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ईश्वर कहाँ है, अरे स्वयं हमें तो गुरुदेव भगवान में ही ईश्वर दिख रहा है। ये देखिए माता जी आई हैं, दिव्य माता के दर्शन, ऐसी जननी, ऐसी हमारी माता जिन्होंने ऐसे हमें गुरु दिए, इनके चरण अगर एक बार हमारे मत्थे पर लगाने को मिल जाए, तो मेरे आदरणीय भगत जनों, आप उन चरणों को अपने मत्थे पर लगा लेना, क्योंकि ऐसी जननी जने तो भगत जन याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवाए। तो हे मेरी माता, आपने तो ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, ऐसे लाल को जन्म दिया है, जिनकी वाई वाई और जिनका बखान करने में हमारी वाणी बहुत छोटी है, हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे पुत्र को आपने पैदा किया है, करोड़ों लोगों के हर रोज दुख दूर होते हैं, करोड़ों लोगों की संकट, ऐसा विनाश का दौर चल रहा है,
उस विनाश के दौर में एक ऐसे संत को आप माता आपने पैदा किया, हम धन्य हैं, हमारी धन्य है भारत भूमि और धन्य है हमारी भारत भूमि के संत। माँ के श्री चरणों में और माँ की गोद में जब गुरुदेव भगवान बैठ के खाना खाते हैं तो वो आनंद, वो पल हम महसूस कर सकते हैं। उस पल को वाणी से नहीं बोला जाता क्योंकि वाणी की वो बात ही नहीं है। वाणी से आप उस चीज का अनुमान नहीं लगा सकते, वक्तव्य जो होता है भाव का वो वाणी से नहीं बोल सकते। तो ऐसे गुरुओं को और ऐसी मेरी माता के श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। जय सन्यासी बाबा की, जय हनुमान जी महाराज की। यह जीवन और यह जीवन की एक पद्धति हम गुरुदेव भगवान के जितने शिष्य हैं हमें भी हमारे जिंदगी में उतारने चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं दिन रात हम आप सभी लोगों को हमको जगाने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर उन अनमोल मोती हीरे से भी कीमती बेसकीमती बातों को अगर हमने हमारी जिंदगी में नहीं उतारा, हमारे जीवन में नहीं उतारा, तो क्या फायदा हजारों किलोमीटर यात्रा करके पावन धाम में जाने का और जगह जगह सत्संग सुनने का। ये जिंदगी की लाइन है छोटी छोटी गुरुदेव भगवान की, ऐसी ऐसी ये जो इन सूत्रों का अगर हमने 10% भी हमारी जिंदगी में उतार लिया तो हमारा जिंदगी का जो आना है प्रभु पिता परमेश्वर ने जो हमें जिस कार्य के लिए भेजा है गुरुदेव भगवान की 10% बातों को भी हमने मान लिया तो हमारा आना सफल हो जाएगा। तो ये गुरुदेव भगवान की जिंदगी, जिंदगी से जुड़ी हुई जो बातें हैं हम लोग संतों का अनुसरण करवाते हैं। आप सभी लोगों को धर्म प्रेमी सज्जनों का, गुरुओं का, महापुरुषों का दर्शन करवाते हैं तो हमारा दर्शन कराने का कार्य तभी सफल होगा कि इन बातों से, इन गुरुओं की परंपरा से, इन गुरुओं के दर्शन से, इनकी कथा सुनने से हमारी जिंदगी में बदलाव आए। लेकिन वही बात है, आप लगे रहिए गुरुओं के शरण में, लगे रहिए परमपिता परमेश्वर के शरण में, लगे रहिए सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज के पावन पवित्र धाम से और गुरुदेव भगवान के धाम से, हरि नाम के कीर्तन के साथ जुड़े रहिए। हमारा मंगल ही होगा, अमंगल नहीं होगा। इसी के साथ सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को ओम नमो नारायण, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय हनुमान जी महाराज। मंगलवार का महादिव्य दरबार भी लगेगा, मंगलवारी का पेशी दरबार भी लगेगा दरबार के अंदर। कल मंगलवार है, मंगलवार का महादिव्य दरबार और महापेशी दरबार दोनों लगेंगे। बहुत दूर दूर से धर्म प्रेमी सज्जन आए हुए हैं। बागेश्वर धाम में गुरुदेव भगवान भी बहुत थके हुए हैं, आज माता के हाथ का भोजन करके गुरुदेव भगवान आराम करेंगे सन्यासी बाबा के श्री चरणों में, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में, और फिर वही कारवा सुबह से फिर शुरू हो जाएगा। गुरुदेव भगवान का, गुरुदेव भगवान का स्वास्थ्य और हम सभी भक्तों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, यही हम कामना करते हैं सन्यासी बाबा से और हनुमान जी महाराज से। आपकी संस्था के अंदर जितने भी भगत जुड़े हुए हैं, जितने भी धर्म प्रेमी सज्जन जुड़े हुए हैं, वो गुरुदेव भगवान हे परमपिता परमेश्वर सन्यासी बाबा, हम छल कपट से दूर होकर हमेशा निस्वार्थ भाव से, एक बिल्कुल कोमल हृदय से, जिस प्रकार से माँ और बेटे का पावन पवित्र स्नेह का रिश्ता होता है, स्नेह के रिश्ते के साथ हम आप सभी भक्तों के साथ लगे रहें और आप गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना, माता जी हम सभी भक्तों पर भी ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना। ये जो आपने इतनी सुंदर एक बेल पैदा की है, एक बेल बोई है, तो इसके फल अनेकों तैयार होंगे। गुरुदेव भगवान बोल रहे थे कि एक नहीं धीरेन्द्र शास्त्री, हजारों धीरेन्द्र शास्त्री पैदा होंगे और हो भी रहे हैं। गुरुदेव भगवान के चमत्कार के साथ दिव्य दिव्य संत समागम के अंदर ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे ज्ञान की जो ये जो तरंगे फूटेंगी, इन तरंगों से हजारों धीरेन्द्र शास्त्री पैदा होंगे, सनातन की हजारों श्रृंखलाएं पैदा होंगी, ऐसी ऐसी दिव्य दिव्य हस्तियां निकल के आएंगी जो दबी हुई थी
अब वो उजागर होगी और एक ऐसा पावन पवित्र बागेश्वर धाम का जो संकल्प गुरुदेव भगवान ने ले रखा है वो पूर्णता की ओर जाएगा। बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय।